नमस्कार, मैं हूँ साधना। आप देख रहे हैं युवा तक भारत समाचार। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। रुधौली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 65 किलो गांजे के साथ 5 अंतर जनपदीय तस्करों को किया गिरफ्तार। खबर उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद से है। पुलिस अधीक्षक गोपाल कृष्ण चौधरी, अपर पुलिस अधीक्षक दीपेंद्र नाथ चौधरी के निर्देशन में रुधौली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। सीओ प्रीति खरवार के नेतृत्व में रुधौली एसएचओ संजय कुमार की टीम ने पकड़ा गांजा तस्करों का बड़ा गिरोह। बस्ती सिद्धार्थ नगर बॉर्डर पर आमी नदी के पास गाड़ियों की चेकिंग में 65 किलो गांजा किया बरामद। रुधौली पुलिस ने गांजा के साथ बोलेरो गाड़ी में 5 अंतर जनपदीय तस्करों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार गांजा तस्करों का है बड़ा नेटवर्क। कई राज्यों में लग्जरी गाड़ियों से करते हैं गांजे की सप्लाई। अंतरराष्ट्रीय बाजार में बरामद 65 किलोग्राम गांजे की कीमत करीब 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने राजेंद्र प्रसाद गौड़ थाना सिवरही जिला कुशीनगर काशीनाथ थाना तुर्कपट्टी जिला कुशीनगर हुए गिरफ्तार। रमाशंकर जिला सिवान बिहार, साहिल अंसारी सिवरही जिला कुशीनगर स्वामीनाथ थाना गोला जिला गोरखपुर गिरफ्तार। गिरफ्तार करने वाली टीम में एसएचओ थाना रुधौली संजय कुमार, स्वाट टीम प्रभारी उमा शंकर त्रिपाठी, मुख्य आरक्षी दिग्विजय सिंह, राजू यादव, अभिलाष सिंह, अमित सिंह, शुभेंदु तिवारी, विनय कन्नौजिया, शैलेंद्र दुबे, अंकित राय शामिल रहे। युवा तक भारत समाचार के लिए बस्ती से ब्यूरो संदीप उपाध्याय की रिपोर्ट। सर, खुलासा हुआ है तो क्या कुछ था और कितनी कीमत है, क्यों कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? ये थाना रुदौली और स्वाट टीम जनपद बस्ती ने 5 अंतरराष्ट्रीय गांजा तस्करों को आज अरेस्ट किया है। उनसे 65 किलो गांजा जिसकी अनुमानित कीमत 2 करोड़ रुपए है बरामद हुई है। एक व्हीकल बोलेरो जो ट्रांसपोर्टेशन में यूज होता है उसको भी बरामद किया गया है। पकड़ने वाली टीम ने 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। पकड़े गए 5 अभियुक्तों का नाम राजेंद्र प्रसाद, राशिनाथ, रोमा शंकर, साहिल और स्वामीनाथ है। इनका अपराधी इतिहास आसपास के बच्चे चलाया जा रहा है। कहाँ से सप्लाई करते हैं? नेपाल से लाते थे और यहाँ पे आके अपने सब कॉन्टैक्ट है उनको देते थे। हमने लोकल कुछ नाम पता चले हैं, उन पर भी कार्रवाई होगी आगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।